अर्शदा जी, आप तो जानती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़ के एक कमाल के सिंगर हैं, लेकिन ये कमाल के सिंगर भी जिनको बहुत कमाल का मानते हैं आज वो हमारे पास आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिंगर्स के सिंगम और सुल्तान, हम सबके फेवरेट सुपरस्टार सिंगर मिस्टर सुखविंदर सिंह। हेलो एवरीबॉडी, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम भाजी, वेलकम भाजी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तकलीफ के दौर से हम गुजरे हैं और अभी भी वो तकलीफ का दौर चल रहा है, उसमें एक बहुत ही रिलीफ देने वाला आपका जो शो है कपिल, ये आप सारी पूरी टीम को पूरे संगीत जगत की तरफ से दुआएं देता हूं। शुक्रिया भाई, थैंक यू। हाँ जी, हुक्म करो कितने गाने सुनने जी। थोड़ी देर पहले वैनिटी वैन में पेमेंट हुई है तो मैं उसी हिसाब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू, थैंक यू। और बड़े हॉट लग रहे हो आप कसम से। क्या बात है, आप कहीं बाहर खड़े हो तो ट्रेन रोक दो आज आप। नहीं, बट जैकेट बहुत कमाल की है। ला दोस्तों, उन्होंने क्लियर कर दिया कि तुम नहीं, जैकेट कमाल की। पहनने वाला उससे भी ज्यादा कमाल का है। नहीं, लेकिन बाई चांस कल मेरी कपिल के साथ मुलाकात तब हो जाती है अगर शो से पहले, तो मैं यही हेयर स्टाइल अडॉप्ट करता था। व्हाट अ लुक। पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है जी, एक बार जोरदार तालियां सुखी पाजी के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज पाजी। हाँ जी पाजी, सभी आपको, आपका नाम सुखविंदर सिंह है, सब आपको प्यार से सुखी बुलाते हैं। हाँ, तो जब कभी कभी आप लो फील करते हो, दुखी होते हो, उस दिन आप लोगों को बोलते हो आज मैं सुखी नहीं, आज मैं दुखी हूँ। मैं दुखी ताकि नहीं होता। पता क्या होता है, जैसे दुख कोई खजाना नहीं है, दुख कोई मोहब्बत इश्क जुनून नहीं है जिसे संभाल के रखा जाए, इसे संभाल के ना रखूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक कोई एक गाना बता दीजिए कि जिसमें गम आंसू छलक रहे हो, मेरा मन ही नहीं करता। एक है लेकिन, कौन सा? उसने सारी कसर पूरी कर दी, लाइव ही ना गई। हाय 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 बाजी। तो यार मैं बात कहूं सुनूं कि या तुझे देखूं। इस लड़के ने आपने कसम का चेंज लाया है, जब से 20-25-30 crore का इसका हुआ रेट ना, ये मूड में आ गया है। मेरी भी तारीफ करो, 15-20 hazaar में भी मतलब देख लो। हाँ सही बात है, बट आया है, तेरे पे आंख टिकनी शुरू हो गई, नूर आ गया। बट एक लेडी है इस वक्त थोड़ा सा मेरे राइट में है, इनका जलवा तब भी था और आज भी जलवा नूर वैसे का वैसा ही है। हर बात पे खुल के हंसना, दिल से मन से हंसना, कोई नकलीपन नहीं। थैंक यू सुखविंदर। नहीं तो जो है, जो थैंक यू। ये इन्होंने मेरे से शुरू किया, आना आप ही पे था इन्होंने। अच्छा है ना, कोई मेरे साथ भी तो फ्लर्ट करे यार। तू तो सारी हीरोइंस आती है उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है, मुझे तूने अपना ताऊजी बना दिया है, मूंछों वाला। अरे हाँ, कोई तो फ्लर्ट करे यार, अच्छा लगता है। सो ब्यूटीफुल, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। पाजी लाइव ही ना गई आपने यार, अभी नाम ले लिया क्या अभी? हाँ सुनना सुनना। लाइव ही ना गई ये, मुझे अभी भी याद है कि मिस्टर शाहरुख खान वो सामने और मैं ऐसा बैठा, और मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने ये शुरू किया और ये खत्म कर दिया गाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे टाइम पे हमको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होता। तो मैंने जाके थोड़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ा बीच बीच में रुक के हम लोगों को थोड़ा मूड को इनहेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो भाई आज इम्प्रोवाइज जितना आपका मजा आ जाए। ही क्राइड, वो रोने लगे, तो मैंने पूछ लिया उनसे कि इसलिए तो नहीं कि ये क्या हो रहा है। भाजी आजकल न्यूज देखते हो आप? मैं नहीं देखता न्यूज ना सा। आज ये देखो, हमारे ना शो की न्यूज है, कुछ बोलते थे यार जैसे आप आते हो, गाना गाया, मजेदार बातें हुई, तो ये कुछ, ये देखो न्यूज है। हाँ। तो आप अपने स्टाइल में पढ़ दो पाजी, थोड़ा तरन्नुम में न्यूज देखो आप। ये पेपर भी हम खुद ही निकालते हैं पाजी। द कपिल शर्मा शो, पति को समोसा लेने, पति को समोसा लेने भेज दुल्हन
सुखी के संग भाग गई। ये क्या न्यूज़ है? ये क्या न्यूज़ है? लिखा प्रेमी लेकिन मेरे को चश्मे के बगैर सुखी दिखाई दे। प्यार में धोखा देने वाले को सड़क पर ठोका। शकीरा के गाने सुनकर खेतों से भागे मुर्गे। कब आओगे? कब आओगे? जिस्म से जान जुदा होगी, क्या कब आओगी? ओ मंत्री की कुर्सी हथियाने वाली महिला, बड़े प्यार से गिरफ्तार। गाड़ी पर पुलिस का फर्जी स्टिकर लगा कर घूम रहे थे साले। तना बस इतनी खबरें बात। बहुत अच्छा सुखी पाजी। वेरी नाइस। मैंने जो गाना खेला अभी बंठन, हाँ जी, वो गाने से कुछ याद आया आपको? इस गाने में आपकी मैडम ने मेरी जान बचाई थी। कैसे? सरोज खान जी, मेरे को इन्होंने गाना रिकॉर्ड होने के बाद सेट पे बुलाया। महेश मांजरेकर जी ने कहा कि मिस्टर संजय दत्त मिलना चाहते हैं, एक झटके पोच तेरे लिए एक लाल जैकेट गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं चला गया भाई, चल के लाल पहना है जैकेट। इतने में मास्टर जी की एंट्री, सरोज खान जी की। सरोज मास्टर, अब आया मेरे जबड़े के तले, अब तेरे को ऐसा चबाऊंगी बेटा। तुझे नाचना नहीं आता ना? मैं कहा नहीं, आज तेरे को नचाऊंगा उल्टा करके, टांग के नचाऊंगा। किसी बात की रंजिश थी उनको। इतने में मेरे को एक छोटी सी खबर मिली कि यहाँ पे इनकी जो मैडम हैं, वो यहाँ पे मेन इस गाने में जो लीड कर रही हैं, कश्मीरा जी, शानी कश्मीरा। नहीं नहीं, शानी नहीं, उन्होंने वो तो देवी बन के प्रकट हुई उस दिन। अच्छा। और मैं मास्टर जी के कदमों में गिर गया और मेरे सामने कश्मीरा जी बैठी है। मैं कह, ये सारा जो नूर है, जो वो जो तांडव मेरे से करवाना चाहते हैं, उसके ये एक्सपर्ट हैं। और इतने में डिसाइड हुआ कि तुम सिर्फ खड़े रहोगे, बाकी सब पूरे डांस स्टेप जो है कश्मीरा जी करेंगे। आपका तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बोलने नहीं देगी। मैं बोलूंगा अभी, आप मेरा दुखड़ा सुनो। मैं, आपने गाना देखा ना सर? हाँ। ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा किया ना मैंने? ए, औरत बन के भी तेरे से ज्यादा अच्छा कर रही है, देख ले। आते ही अपनी बातें शुरू कर दी तूने। नहीं, उनकी भी बात करेगी ना। हाँ। तेरे को पता है सुखी पाजी अपने घर पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका घर है, जो मर्जी करे, तेरे को क्या लेना देना रे? इसको बहुत शौक रहता है जानने का। हाँ। कौन क्या किधर क्या कर रहे लाए। तो आज इतना बंठन के क्यों आई है तू? मैं एक्चुअली पहली बार इससे मेरी तारीफ की है। मैं सब्जी मार्केट जा रही थी सब्जी खरीदने के लिए। इतना तैयार होके? नहीं, पहले मेरे को एटीएम में जाने का है ना। तो एटीएम जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, पहले मैं बैंक जाएगी कार्ड बनवाने के लिए, इसीलिए तैयार हो लिए। तो ये सारी बात एक साथ नहीं बोल सकती थी? अरे तो तेरे को कहाँ समझाने का टाइम किधर है? 11 बजे तो तू शो खत्म कर देता है और फिर शुरू से शुरू करता है वापस से, किधर समझा इसको? मेरी नहीं, एक्चुअली सुखी भाजी पता है क्या चक्कर क्या है? मैं ना प्याज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रही है उधर मार्केट में। प्याज में कौन इन्वेस्ट करता है? अरे प्याज बहुत महंगा हो गया ले कप्पू। मैं क्या करेगी, 400 रुपया किलो अभी खरीदेगी, फिर अगले हफ्ते 600 रुपया किलो बेचेगी। ओ माय गॉड। फिर क्या, तेरे से 200 रुपये ज्यादा अमीर हो जाएगी मैं। देखना। अच्छा सर, पता क्या है, प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्ट करो। क्यों? सब्जियों में इन्वेस्ट करो। एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने मेरे को बताया कि टिंडे में इन्वेस्ट करने का। हाँ, टिंडे का भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और एम्पायर का कैप रहता है ना, उसमें भी इन्वेस्ट करने का, उसका भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये भी अर्थशास्त्री ने बताया? नहीं, रवि शास्त्री ने बताया था मेरे को। अरे आपको पता है सुखी सर, ये तो कुछ नहीं है, वो क्रिकेटर है ना विराट कोहली, उसने तो मेरे को अंदर की बात बताई कि वो पापा बनने वाले हैं। ये तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। तो बात तो अंदर की है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है ना कप्पू। हाँ। मेरा भाई, आई लव हिम। मैं ना मार्केट जा रही है कप्पू। हाँ। तेरे को कुछ चाहिए, तेरे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? आलू ले आ मेरे लिए। सिर्फ आलू खाएगा? भिंडी ले आना थोड़ी सी। तो फिर आलू का क्या करेंगे?
आलू के पराठे खाएंगे तो भिंडी का क्या करेंगे? भिंडी बाद में खा लेंगे ना। अरे आलू के पराठे के साथ भिंडी कौन खाता है? दही खाते हैं ना लोग। दही ले आना फिर। अरे मैं सब्जी खरीदने जा रही, दही थोड़ी खरीदने जा रही, इसका क्या है रे? तू भी ना कप्पू यार, एक चीज पे फोकस रखो ना। हाँ। ये नहीं कि जज की कुर्सी पे बिठा दिया तो इंस्टाग्राम का भी वीडियो बनाने का, ये क्या है? ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सुखी पाजी, मैं आती है ना, मैं आपके लिए सब्जी खरीद के लाती है मार्केट से, अभी जाके आशीर्वाद दो के सस्ती मिल जाए मेरे को, है ना? मैं आती हूँ सर। ओके कप्पू, मैं आ रही हूँ। मेरा किधर गया? पर ये कुछ आपके फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने देशों विदेशों में सैकड़ों हजारों शोज किए हैं, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो और कुछ लेदर वेदर की पैंट वेंट पहनी हो और सडनली कहीं से सिलाई उधड़ गई हो? हाँ। और लाइव शो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ है। लेदर नहीं था, एक बार एक बड़े धार्मिक फंक्शन में बुलाया गया, मैंने स्पेशल एक ड्रेस सिलवाई जिसमें काठियावाड़ी रंग था, थोड़ा मतलब राजस्थानी स्टाइल भी था, कच्छ का भी, और पंजाबी पगड़ी पूरा बांध के, और उसका नाड़ा टूट गया, पजामे का नाड़ा टूट गया। हाँ, वो चार गाने गाने तो पकड़ के ही गाया मैंने, और ऐसा तो ऐसा हुआ है। कभी ऐसा हुआ पाजी, आप डुएट सॉन्ग गा रहे हो और म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा हो कि भाई ऐसा है कि जो आपके साथ वाला सिंगर है, वाली है, साथ वाली होगा, वाली या वाला कोई भी, कि वो मतलब आपके जैसा नहीं गा रहे, आप थोड़ा कम गाओ, आप बहुत ज्यादा गा रहे हो? नहीं, इतना भी मेरी सब्जी में इतना भी नमक ज्यादा नहीं डालता कि बेस्वादी हो जाए, उतना ही गाता हूँ जितना मेरे को समझाया जाता हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी ने आपसे गाना रिकॉर्ड करवा लिया हो? हाँ। बाद में घर आके आपने वो चेक डाला बैंक में, चेक बाउंस हो गया हो? शो का हुआ था एक बार। कभी आपने ऐसे यारी दोस्ती में गाना गा दिया कि चल यार कोई नहीं, यारी दोस्ती में आया बंदा गाना गा दिया और गाना हिट हो गया हो, आपको बोलो यार मेरे को तो पैसे भी नहीं दिए इसने, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसी यारियां तो फिर हमेशा ही रहे, हमेशा ऐसे दोस्त मिलते रहे कि उनके लिए मैं गाता रहूं और गाने हिट होते रहे। क्या बात है भाई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.